पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। ये कहता है कि फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेश होल्ड वेव लेंथ ऑफ सिल्वर, फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेश होल्ड वेव लेंथ, लैम्डा नॉट दिया हुआ है इतना, तो लैम्डा नॉट कितना है सिल्वर का, तो 3250 × 10⁻¹⁰ मीटर में है, तो एंगस्ट्रॉन में आ जाएगा, तो 3250 एंगस्ट्रॉन, ये लैम्डा नॉट है थ्रेश होल्ड। कहता है वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिल्वर सरफेस ऑफ अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट अगर हमने मेटल पे सिल्वर पे कितना डाला, 2536 एंगस्ट्रॉन, मीटर में 10⁻¹⁰ है, तो इतना एंगस्ट्रॉन सिल्वर मेटल है, ये सिल्वर मेटल है, और इसकी अपनी थ्रेश होल्ड वेव लेंथ है, मैक्सिमम वेव लेंथ, और हमने इतना लैम्डा डाल दिया। तो ऑब्वियसली देखो, जब हम आपने इतना लैम्डा डाल दिया तो ऑब्वियसली यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, उस फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आए हैं, उनकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी, उस मैक्सिमम वेलोसिटी की कैलकुलेशन हमें करना है। आ रहा बात समझ में सबको? सिल्वर मेटल है, हमने लैम्डा इतना डाला, थ्रेश होल्ड लैम्डा इतना था, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आया उसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो ये जो इक्वेशन है आइंस्टाइन के एनर्जी कंजर्वेशन से, मैं बताया हूँ कि 95% क्वेश्चन इस सवाल, इस चैप्टर के हो जाते हैं। इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी में यूज होता है, ठीक है। तो इंसिडेंट एनर्जी जो है वो एच सी अपन लैम्डा है, और माइनस एच सी अपन लैम्डा नॉट है, और दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, ये यहाँ से मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे एच सी की वैल्यू, तो 1 अपन लैम्डा माइनस 1 अपन लैम्डा नॉट, और ये आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, जो वेलोसिटी वो मैक्सिमम है। तो सर अगर सभी एंगस्ट्रॉन में है, तो ये जो एच सी की वैल्यू होती है, एच सी की जो वैल्यू है सभी एंगस्ट्रॉन में, वो 12 नंबर 420 इतना एंगस्ट्रॉन, जो एच सी की वैल्यू होती है, एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, तो ये इतना हमें आ जाता है एनर्जी, ये वाला एच सी की वैल्यू। इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जैसे ये ऐसे याद कर सकते, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपन लैम्डा होता है, तो एच सी का नंबर 12 नंबर 420 इज इक्वल टू लैम्डा, ऐसे लिखा जा सकता है अप्रॉक्सीमेटली, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आती है यार, ठीक है। अगर ये मीटर में दिया हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, इस नंबर को आप याद कर लो, इधर बहुत ज़्यादा मतलब यूज होगा, कैलकुलेशन में हेल्प रहता है, इसको याद कर लो। जैसे ऐसे ऐसे याद कर सकते हो एस सी वर्मा 12 नंबर प्रॉब्लम का सोलूशन 420 है, या कैदी नंबर 12 420 है, तो ऐसे कुछ याद कर लो 12 और 420, तो वो कैलकुलेशन में तुम्हें हेल्प मिलेगा। तो ये अगर यहाँ से मैं एस सी की वैल्यू 12 420 रख दूँ, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो 1.6 × 10⁻¹⁹, और यहाँ से लैम्डा वम्डा डाल दो, तो 1 अपन लैम्डा की वैल्यू जो है वो 2536 माइनस 1 अपन लैम्डा नॉट जो है वो, यहाँ से देखो लैम्डा नॉट कितना है, वो 3250 है, तो यहाँ से है 3250, और इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूँ और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दूँ, 1.6 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³¹ kg, और ये सब रूट में रहेगा, तो यही जो है वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी। थोड़ा सा एक्सप्रेशन बहुत गंदा आ रहा है, ठीक है, मतलब ये वाला चीज़, बट ये सोल्यूशन बहुत सुंदर देगा, इसको सॉल्व कर लेना, ये तुम्हारा काम है। तो वेलोसिटी भी इज इक्वल टू यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली आ जाती है 6 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, तो 6.6 × 10⁵, अगर सही से देखोगे तो ये